टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। GST पोर्टल पर असेसमेंट और एडजुडिकेशन से रिलेटेड नए अपडेट को प्रोवाइड किया गया है। यदि किसी टैक्सपेयर को नहीं पता चल रहा कि गुड्स और सर्विस की वैल्यू क्या होगी या फिर टैक्स रेट क्या होगा, तो उस केस में वह GST ऑफिसर के पास प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो उस केस में GST ऑफिसर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मांग सकता है, जिसका रिप्लाई के टैक्सपेयर ऑनलाइन कर सकता है GST पोर्टल पर। इसके लिए भी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है। यदि प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है, तो उस केस में सिक्योरिटी ऑफिसर को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के थ्रू सबमिट की जा सकती है और उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग टैक्सपेयर अपने टैक्स को पे कर सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको GST पोर्टल पर जाना है, gst.gov.in वहाँ पर लॉगिन करना है। उसके बाद सब्सिडी टैब में जाना है, यूज़र सब्सिडी में जाना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे जाके के आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन टाइप में प्रोविजनल असेसमेंट ASMT 01 और इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जैसे ही प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल हो जाती है और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, उसके बाद टैक्सपेयर अपनी सिक्योरिटी को विड्रॉ करवाने के लिए एप्लीकेशन भी GST पोर्टल पर फाइल कर सकता है। सिक्योरिटी को रिलीज करवाने के लिए टैक्सपेयर को GST पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, यूज़र सब्सिडी में जाना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और वहाँ पे केस डिटेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सिक्योरिटी की टैब दी गई है, जैसे कि आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे रिलीज ऑफ सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करना है और सिक्योरिटी को रिलीज करवाना है। यदि किसी व्यक्ति ने GST पोर्टल पर कोई रिटर्न फाइल की है और GST ऑफिसर को उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, तो उस केस में GST ऑफिसर उस टैक्सपेयर को नोटिस इशू कर सकता है, जिसमें कि वह डिस्क्रिपेंसी के लिए क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। रजिस्टर्ड व्यक्ति इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है और टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर सकता है और उसके बाद टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकता है या फिर इस डिस्क्रिपेंसी के लिए एक्सप्लेनेशन ऑफर कर सकता है। इसके लिए फैसिलिटी को GST पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। यदि रिटर्न्स की स्क्रूटनी के लिए नोटिस इशू किया जाता है, तो आपको रिप्लाई किस प्रकार फाइल करना है GST पोर्टल पर। सबसे पहले आप GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे, सब्सिडी टैब में जाएंगे, यूज़र सब्सिडी में जाएंगे, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का जो है नोटिस टाइप आएगा, इसे आपको व्यू कर लेना है। जैसे आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस चेक कर सकते हैं, रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो आप इस अटैचमेंट को भी देख सकते हैं जो कि GST ऑफिसर ने यहाँ पे अपलोड की है, और रिप्लाई बटन पर क्लिक करके इस नोटिस का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। इस केस में जब ऑर्डर पास कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर ऑर्डर टैब पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि क्या ऑर्डर पास किया गया था। यदि किसी व्यक्ति के केस में समरी असेसमेंट ऑर्डर GST ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है, तो उसको विड्रॉ करवाने के लिए टैक्सपेयर GST पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। समरी असेसमेंट को विड्रॉ करवाने के लिए GST पोर्टल पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे, सब्सिडी टैब में जाएंगे, यूजर सब्सिडी में जाएंगे, वहाँ पे व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस को देख सकते हैं, समरी असेसमेंट का जो ऑर्डर इशू हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद जब आप केस डिटेल ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड विड्रॉल एप्लीकेशन आएगी। यहाँ पे जाके आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी समरी असेसमेंट हुई है और आप उसे विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो अप्लाई फॉर विड्रॉल इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। GST एक्ट के अंतर्गत असेसमेंट पे हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं और वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।